सही गए, चलिए बनाते हैं भिंडी की बहुत ही ज़्यादा चटपटी और बहुत ही मज़े की भिंडी फ्राई रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा और आपको खा के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें पानी छूटेगा तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। एक जो मैं बता रही हूँ, जब भी आप भिंडी पकाएं तो तुरंत नमक का इस्तेमाल ना करें, तो ऐसे ही छोड़ दें। जब भी आप, मतलब मैंने भिंडी डाली और मैंने 5 मिनट तक छोड़ दिया इसको ऐसे ही फ्लेम को फुल करके, आपको चमचा नहीं चलाना है। 5 मिनट बाद जब चमचा चलाएंगे तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी कोई इसमें लिबलिबापन नहीं दिख रहा होगा आपको। फिर से हमने क्या करना है, जब इस हद तक ये सूख जाएगा ना, उसके बाद फिर हमने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने डाला लाल मिर्च का पाउडर, और फिर डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। पहले हमने 10 मिनट इसको भून लेना है, उसके बाद फिर हमने इसमें ये सारे मसाले डालने हैं। फिर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला मैंने, और फिर मैंने डाला हींग। उसके बाद हमने इसको चला देना। चलाने के बाद फिर हमने क्या करना है, भिंडी को कढ़ाई में फैला देना है। जब हम इसको फैला देंगे ना तो क्या होगा, ये टूटेगा नहीं। तो 10 मिनट तक आपको भून लेना है फ्लेम फुल करके, उसके बाद मसाले डालेंगे। फिर हमने लिड लगाना है 10 मिनट तक। जब हम लिड लगाएंगे 10 मिनट तक, फ्लेम हमारा एकदम स्लो होना चाहिए, एकदम स्लो, उसके बाद ये पकेगा। तो आपको दिख रहा होगा तेल किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद एक बार हमने इसको चला लेना है। जब ये मैंने भिंडी बनाई थी ना, तो मैंने इसको सिर्फ मैक्स टू मैक्स 4 बार ही चलाया था, बार बार मैंने चमचा नहीं इस्तेमाल किया था। तो शुरुआत में जब आप तड़का लगाएं, 10 मिनट तक छोड़ दें फुल फ्लेम करके, उसके बाद फिर लिड लगा दें 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे करके, एक बार फिर से चला के फिर हमने लिड लगा देना है 10 मिनट के लिए। और जो हमारा फ्लेम हो वो एकदम स्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो भिंडी है वो अच्छे से गल चुकी है, और ये एकदम बहुत बढ़िया तरीके से भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त भिंडी बन के तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई करें, कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।